नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत के परिवार से मिले सीएम धामी, बंधाया ढांढस। भारतीय जनता पार्टी सहित सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीडीएस जनरल रावत को अर्पित की श्रद्धांजलि। दो सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन। ऋषिकेश के आरडीपीएल इलाके में युवती का शव मिलने से हड़कंप। उत्तरकाशी के डीएम ने जरूरतमंदों को वितरित किए गर्म कंबल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने सीडीएस और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। बता दें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 सैन्य अधिकारियों की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद से ही देश भर में शोक की लहर है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। विश्व परिसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पीएनपी कॉर्बेट पार्क भ्रमण के बाद एक रेस्क्यू सेंटर की 2019 में घोषणा की गई थी, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें अभी घायल हुए 5 तेंदुए सहित 2 बाघों का उपचार चल रहा है। वहीं बता दें कि ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इस रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन जल्द देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में एक रेस्क्यू सेंटर का कार्य चल रहा है। इसमें 2 लेपर्ड बाड़े जिसमें 20 लेपर्ड रह सकेंगे और एक टाइगर बाड़ा जिसमें 10 टाइगर का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा एक हाथी केयर यूनिट का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और हॉस्पिटल बिल्डिंग, इन सब का भी कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। तो ये फर्स्ट फेज की गतिविधियाँ थी जो लगभग पूरी हो गई हैं, और इसका आप जल्दी इस रेस्क्यू सेंटर को प्रारंभ किया जाना है। इंटरमिटेंटली इसमें आवश्यकता अनुसार 3-4 लेपर्ड का और 2 टाइगर का इलाज आवश्यकता अनुसार किया गया है, जो इसी टाइगर लैंडस्केप से आए हैं और जिनको अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से रेस्क्यू किया गया है। जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन के बाद गुरुवार को उत्तराखंड में सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने का क्रम जारी रहा। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवा के नेतृत्व में सीडीएस बिपिन रावत के साथ अन्य 12 लोगों को श्रद्धांजलि दी। देश के वीर पुत्र सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन से पूरा देश स्तब्ध है। उत्तराखंड में भी 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मसूरी के शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने मोमबत्ती और पुष्प अर्पित कर सीडीएस बिपिन रावत को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, कल जो दुर्घटना हुई है उससे पूरा देश यानी पूरा विश्व जो है गमगीन है, और जो हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और जो हमारे अन्य सेना के अधिकारी हों, चाहे एयरफोर्स के अधिकारी हों, चाहे पायलट के क्रू हों, सभी की ओर से हम जो है यहाँ पर एक श्रद्धांजलि देने आए हैं और अपने आप को देश के साथ, उन परिवारों के साथ, उनकी परिचितों के साथ जिनके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटा है, वो गमहीन हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं। और निश्चित ही जिस तरह से सीडीएस बिपिन रावत जी ने, चाहे अपने कार्यकाल में, चाहे उनके जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तब थे, या उसके बाद जब 2017 में वो सीडीएस बने, उनको निरंतर जो है उन्होंने जो है तीनों सेनाओं को जो है अपना इंटीग्रेट किया है, उनमें सामंजस्य बनाने का प्रयास किया है, और आज उनकी सभी लोगों की यहाँ पर शहादत हुई है। इसलिए भाजपा मसूरी मंडल आज इस घड़ी पर उनको सबको श्रद्धांजलि देता है। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती 2014 से 2018 के बाद निकली, जिसकी परीक्षा 8 अगस्त 2021 में संपन्न हुई। इस भर्ती में 8 विषय को लेकर स्पष्ट नियमावली न होने पर और पुरानी नियमावली में बिना कैबिनेट के कुछ परिवर्तन होने पर 8 विषय का मामला कोर्ट में होने के कारण बाकी विषय के अभ्यर्थी कोर्ट में बाकी विषय का परिणाम जारी करने के लिए उसी पिटीशन पर इंटरवेंशन लगाते हैं और कोर्ट से जीत के रूप में 8 विषय को छोड़कर बाकी विषय का परिणाम जारी करवाने का ऑर्डर लेकर आते हैं। जब तक इस भर्ती में स्टे था, जब तक UK SSC के सचिव संतोष बडोनी का ये कहना था कि आप लोग कोर्ट से बाकी विषय का रिजल्ट जारी करवाने का ऑर्डर ले आइए, मैं 1 सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दूंगा, लेकिन जो कि 2 दिसंबर का ऑर्डर है और रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है।
ऋषिकेश के आईडीपीएल इलाके में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। शव मिलने की सूचना पर आसपास के इलाके के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि युवती करीब 24 वर्षीय है, जिसके पास 9 सितंबर का हरिद्वार से कटक का टिकट मिला है। आपको बता दें कि पुलिस जाँच में जुट गई है और पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या का खुलासा हो पाएगा। क्या मामला अज्ञात युवती है, 25 साल के आसपास इसकी एज है, अभी बॉडी प्राप्त हुई है, मिली है, यहाँ पे पहचान नहीं हो पाई है, पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए अभी ऐसा कोई जाहिरा चोट तो नज़र नहीं आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक टीम के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्या उसके पास एक बैग मिला है, बैग में एक एक टिकट है रेलवे का जो हरिद्वार से कटकता है, उसकी जाँच की जा रही है। कौन? ये 9 तारीख का, 9 का। उत्तरकाशी जनपद में कुछ दिन पूर्व बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। रात में ठंड अधिक बढ़ गई है। गुरुवार देर शाम उत्तरकाशी डीएम मयूर दीक्षित ने नगर क्षेत्र में मुख्य बाजार केदारघाट, हनुमान चौक, बस अड्डा, सब्जी मंडी, विश्वनाथ मंदिर में शेल्टरों में रात गुजारने वाले और जरूरतमंद को ठंड से बचाव के लिए गर्म कंबल वितरित किए। डीएम ने जन सामान्य से अपील की है कि मास्क अनिवार्य रूप से पहने। देवभूमि की माटी में जन्मे भारतीय सेना की शौर्य गाथा की मिसाल बन चुके देश के प्रथम CDS विपिन रावत के निधन से पूरा देश दुखी है। आपको बता दें कि CDS विपिन रावत सहित उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की मौत तमिलनाडु की पहाड़ी पर भारतीय सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 8 दिसंबर दोपहर को हो चुकी थी। जिला मुख्यालय टिहरी में उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्र अध्यक्ष दिनेश धने के नेतृत्व में शोक और श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर CDS विपिन रावत के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही नरेंद्र नगर तहसील में शोक सभा आयोजित कर CDS विपिन रावत को उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी सहित तहसील स्टाफ ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उन्हें अपने चरणों में स्थान देने और परिजनों को इस कष्ट झेलने तथा धैर्य और हिम्मत बंधाने की कामना की। जैसे कि आपको पता है कल एक दुर्घटना में देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत जी और उनकी पत्नी का और अन्य सैनिक कर्मियों का आकस्मिक निधन हो गया है और इस संबंध में शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि प्रत्येक शासकीय कार्यालय में 11:30 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। उसी क्रम में तहसील परिवार के सभी सदस्यों द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि ईश्वर पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके परिवार को ये दुख सहने की ताकत प्रदान करें। वीर सपूत जो भारत माँ ने खोया है और उत्तराखंड ने खोया है, उसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है और हम सब लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है, खास करके उत्तराखंड दुखी है। हम ऐसे सच्चे सबूत को जिसने देश की समय समय पर रक्षा की और देश के लिए एक आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम किया, ऐसे महान सबूत हम सबके जीवन में एक प्रेरणा का काम करेंगे और उनको हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि है और हम सब उनको एक देश की जो धरोहर के रूप में भी हम उनको याद करेंगे और हम सब के लिए एक वो आदर्श के रूप में भी स्थापित होंगे। कल पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत को उनके पैतृक गांव सैन द्वारिखाल ब्लॉक पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस पर पौड़ी उप जिलाधिकारी संदीप कुमार भी मौजूद रहे। जनरल विपिन रावत के सबसे छोटे चाचा भरत सिंह रावत ने कहा कि वो अपने गाँव आने वाले थे लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देखिए हमारे क्षेत्र के विपिन रावत जी थे और कल जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई उसमें क्षेत्र में बहुत ही बड़ा शोक है और हमें ये आशा नहीं थी और ये जो क्षति हुई है ये हमारे क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और हमें बहुत दुख हुआ है कि हमारे क्षेत्र के विपिन रावत जी और उनकी पत्नी और साथ ही उनके जो अफसर उनके साथ चल रहे थे उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और उनकी मृत्यु हुई। ये शोक हमारे लिए बहुत बड़ा है और हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मैं उनके परिवारजनों से ढांढस बंधाता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी मृत आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करें। जो आज उनके साथ हुआ आज पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश ही जो है आज शोकग्रस्त हो रखा है।
आज उनके कारण हमारे पौड़ी क्षेत्र में हमारी भी पहचान थी कि कहीं बाहर जाते थे उनके नाम से हमें ये होता था कि हम उस क्षेत्र के हैं जहाँ से हमारे बिपिन रावत जी हैं। आज हमें उनकी इस घटना को सुनकर पूरा क्षेत्र बहुत शोकाकुल हो रखा है। इस घटना से पूरा क्षेत्र ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। और ये जो क्षति हुई है इसकी किसी भी रूप में पूर्ति नहीं हो सकती है। और इस विमान दुर्घटना में जितने भी हमारे जवान श्री स्वर्गीय बिपिन सिंह रावत जी के साथ जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। उधम सिंह नगर जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा में दो सूत्रीय मांग को लेकर एनएचएम संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन किच्छा के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पांडे के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन करते हुए एनएचएम संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन किच्छा के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ को 6 महीने पूर्व ही हमारी दोनों मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के 6 महीने पूरे होने के बाद भी हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई। अभी जुलाई के महीने में हम लोगों ने एक हड़ताल किया था, उसमें शासन ने कहा था कि हम आपकी सारी मांगों को मांग लेंगे, लेकिन पिछले 6 महीने होने के बाद भी अभी हमारी कोई मांग नहीं मांगी गई है। इसलिए हम अपनी 2 सूत्रीय पूर्व मांगों के लिए ही फिर से धरना पे उपस्थित हैं जी। हम इससे पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं जिसमें हमारा 7 से लेकर 9 तारीख तक हमारा कार्य बहिष्कार था, जिसमें हमने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ा था, लेकिन कल 10 तारीख से हम सभी सेवाओं के साथ कार्य बहिष्कार पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि हम लोगों को कोरोना काल में हम सभी लोगों ने अपना कार्य पूरा संपूर्ण किया है और अपनी जान को जोखिम में डाल के सारा काम पूरा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि और हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा ग्रेड पे जैसे हरियाणा सरकार ने ग्रेड पे लगाया है वैसे ही हम भी यहाँ पे भी भाजपा की सरकार है तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे हित के लिए यहाँ पे ग्रेड पे लगाया जाए और जो आउटसोर्सिंग है उसको बंद कर दें। जितने आउटसोर्सिंग में जितने भी कर्मी हैं उनको संविदा पे कर दें। क्या नाम आपका? रेनू है। सूत्री मांगे हैं तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो लोगों को रखा गया है इसको दूर किया जाए और हरियाणा की तर्ज पर हमारे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जो भी है वहाँ जो है एचआर पॉलिसी वो हमारे यहाँ लागू की जाए। अब आज की डेट में एक सम्मानजनक सैलरी आदमी नहीं पा रहा है एनएचएम का। क्या आज की डेट में मुझे एक बात आप बताएं कि एसडीएम हो चाहे डीएम हो, क्या 12,000 रुपये में 15,000 रुपये में वो अपना घर चला लेगा? जितना वेतन हमको मिल रहा है क्या उस वेतन में सरकारी कर्मचारी अगर जी सकता था? कि हमारे पहले साथियों ने पहले भी पूर्व में बताया था कि 6 माह पूर्व भी हमने शासन से बात करी थी, उसमें खाली हमें खोखले वादे करे गए थे कि हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन 6 माह के उपरांत भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई थी। हमारी सिर्फ 2 मांगें हैं। एक है कि हमारा जो ग्रेड पे है हरियाणा सरकार की तर्ज पे, क्योंकि वहाँ भी और यहाँ भी देखिए भाजपा सरकार है तो दोनों जगह एक सरकार कार्य होना चाहिए। और दूसरा हमारा है कि जो हमारे जितने भी हमारे आउटसोर्स में हमारे संविदा जो कर्मचारी जो हैं उन सबको भी एनएचएम के अंदर समायोजित करा जाएगा। हमारा देखिए पूर्ण ये विश्वास है कि हमारी जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसका, क्योंकि देखिए हमारे जो भी हमारे आज अभी हमारे प्रेजेंट में हमारे मुख्यमंत्री हैं यशस्वी युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देखिए पूर्व में भी बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं और हमें आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि वो आगे भी हमारा अच्छा निर्णय लेके हम लोगों के भविष्य के साथ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा निर्णय देंगे उसमें। गुरुवार को उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला सेक्टर राज्य सेक्टर केंद्र पोषित वाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा की। जिला सभागार में बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिला योजना में विकासात्मक कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का 1 सप्ताह तक व्यय करने के निर्देश दिए। खानपुर के ग्राम दल्लावाला में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को 5वां दिन है और प्रशासन की ओर से कोई सूचना या संज्ञान नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला का नाम वर्तमान विधायक प्रणव सिंह ने रानी धर्म कुंवर राजकीय कन्या महाविद्यालय करा दिया है, जिसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने 1 दिसंबर को डीएम कार्यालय हरिद्वार में ज्ञापन दिया था और 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। क्षेत्रवासियों ने प्रतीक्षा की और 6 दिसंबर शाम से धरना जारी कर दिया गया। कल 9 दिसंबर की शाम तक सरकार की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।
ग्रीन रिकवरी पाथवे फॉर इंडिया पायलट परियोजना कार्यशाला सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत जनपद उत्तरकाशी में क्रियान्वित ग्रीन रिकवरी पाथवे फॉर इंडिया पायलट परियोजना के तहत गुरुवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में मुख्य विकास अधिकारी श्री गौरव कुमार की मौजूदगी में शुभारंभ किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जनपद में जूनोटिक रोगों के संचारण बचाव और निदान के बारे में हितधारक फ्रंट लाइन वर्करों स्थानीय लोगों को जागरूक करना है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में हॉट सीट मानी जा रही हल्द्वानी विधानसभा में भी राजनीतिक सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों से प्रबल दावेदारी द्वारा अपना प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया गया है। इसी के क्रम में हल्द्वानी विधानसभा से कांग्रेस से प्रबल दावेदार माने जा रहे ललित जोशी ने कांग्रेस पार्टी को सलाह देने के साथ ही कहा है कि परिवारवाद से कांग्रेस को बचाना चाहिए, अन्यथा यह पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। आज भी बोलता हूँ कि कांग्रेस कमेटी को हल्द्वानी के टिकट को सेकंड लाइन जो लीडरशिप है उनको अब सौंपना चाहिए। एक अगर हम सारे ही टिकट किसी एक परिवार में दे देंगे या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए सारे टिकट एक तरह से अघोषित रूप से आरक्षित रहेंगे तो इसका असर आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। आज मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में हूँ, कल को मेरे बात कोई आएगा, लेकिन जब उसे कांग्रेस भवन में हल्द्वानी का जो कांग्रेस भवन है जब वो वहाँ पर सालों से आकर कर करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता हुआ नहीं दिखेगा। मैं महत्वाकांक्षा बहुत अच्छा शब्द मानता हूँ, एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा होनी चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्वस्थ महत्वाकांक्षा नहीं है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर जो है वो किसी बात को छुपाना चाहता है। महत्वाकांक्षा इंसान को पार्टी को के भीतर ही, इंसान के भीतर भी आंतरिक रूप से और पार्टी के भीतर भी, वो महत्वाकांक्षा अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसके उससे पार्टी का ही लाभ होता है, उससे पार्टी का ही लाभ होता है। और साथ ही साथ एक प्रतिद्वंद्वता जो है, प्रतिद्वंद्वता स्वस्थ रूप से प्रत्याशियों के बीच में जाकर करके खड़ी होती है जिसका लाभ अंततः पार्टी को होता है। तो मेरी महत्वाकांक्षा है और मैं अपनी महत्वाकांक्षा जैसे और लोग दिखा रहे हैं, जैसे और लोग दिखा सकते हैं वैसे मैं भी दिखा सकता हूं, बट मैं ये समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में टिकट थमा कर करके अगर हम बाकी लोगों को नज़रअंदाज कर देंगे तो पार्टी को से नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी मंडल चिन्यालीसौड़ के कार्यकर्ताओं ने फील्ड हॉस्टल चिन्यालीसौड़ में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विजय बड़ोनी ने कहा कि भारत के CDS और पूर्व थल सेना अध्यक्ष रणनीति के विशेषज्ञ सैन्य भूमि उत्तराखंड के गौरव और राष्ट्र के सपूत जनरल बिपिन रावत का असमय देहावसान का समाचार बहुत कष्टप्रद एवं दुखदायी है। यह उत्तराखंड और देश के साथ साथ जनपद उत्तरकाशी के लिए अपूर्णीय क्षति है। हल्द्वानी पहुंचे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राकेश कुमार सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में धामी सरकार किसी भी हालत में दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। केंद्र से लेकर राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसानों के समर्थन में थी। राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस पहली पार्टी है जिसने किसानों को सबसे पहले समर्थन दिया। कांग्रेस किसानों के साथ थी और हमेशा रहेगी। चिंता थी तो इतने दिन से जो आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया जिसके अंदर 700 आदमी हमारे किसान आंदोलन में हमारे आदमियों की डेथ हुई है। उसके बेस पे अगर ये सोचे कि हम किसानों की डेथ हत्या मतलब एक आंदोलन में मरे हैं आंदोलनकारी, तो ये सोच रहे हैं कि हम ये लॉलीपॉप देखें सरकार चाहेगी किसानों का बिल वापस करके और हम उनकी वोट लेंगे, ऐसा ये मैं 100% 100% मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ कि इनको कोई भी किसान इनको वोट नहीं देगा। किसान भी समझते हैं कि हमको लालच दिया जा रहा है। एक साल पहले यही नरेंद्र मोदी कहाँ थे। और दूसरी बात, जिस सरकार के पास हमारे 700 लोगों का जो आंदोलनकारियों की जो मौत हुई उनके पास आंकड़ा नहीं है, ठीक है, एक शब्द नरेंद्र मोदी सरकार ने एक शब्द ये नहीं कहा कि श्रद्धांजलि देते हुए कि भाई किसानों के मरने पर मुझे दुख हुआ, देश के अन्नदाताओं के लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। वो तो कह रहे हैं 700 लोगों का हमारे पास आंकड़ा भी नहीं। जब एक सड़क पर अगर किसी की मौत हो जाती है एक्सीडेंट की तो पुलिस के पास आंकड़ा होता है कि भाई इस रोड पर ये आदमी एक्सीडेंट से मरा है। देश का किसान मर रहा है, पार्लियामेंट के अंदर इनका मन नहीं कहता हमारे देश में, हमारे भाई के पास हमारे किसानों की मौत तो आंकड़ा नहीं है। और कृषि बिल की बात है, इनको अभी तक
कोई भी इनको वोट नहीं देगा। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे सारे देश का किसान भाजपा के विरोध में वोट लगेगा, चाहे उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जिधर भी इलेक्शन होंगे वहाँ भाजपा के विरोध, भाजपा का 100% और राजा उत्तरांचल में होगा। और उत्तरांचल में भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं दो दो तीन तीन चेहरे बने हैं। पुष्पेंद्र धामी को लाके ये सोच रहे हैं कि अब नहीं यार पार करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का युवा बेरोजगार हो चुका है, किसानों के हाथ से उनका सब कुछ छीन लिया गया, किसान हक नहीं दिया गया वक्त पर, बेरोजगारी सांप्रदायिकता बन गई, ये सब मुद्दे बनाते हुए मेरे हिसाब से उत्तरांचल सरकार, उत्तरांचल के अंदर जो चुनाव होंगे वो इनको कोई भी वोट नहीं देगा। उत्तरांचल में 100% ये हारे हैं भारतीय जनता पार्टी। आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश का मैं सिवाई और गौचर में रेलवे टनल में कार्य कर रहे 18 मजदूरों को वापस काम पर रखने की मांग को लेकर सीटू के बैनर तले मजदूरों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। मजदूरों का कहना है कि डीबीएल कंपनी जब तक बाहर किए गए मजदूरों को वापस काम पर नहीं रखती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वही हड़ताल के चलते रेलवे टनल का काम ठप पड़ा हुआ है। कंपनी हमारी एक ही है और कंपनी ने यहाँ पर दो नियम निकाले हैं, कहा कि बाहर वाले 12 घंटे कर सकते हैं और जो लोकल के भाई जिनकी खेती बाड़ी गई है, उनके मकान गए हैं, उन्होंने कहा कि 8 घंटे आप काम करेंगे, उसके बाद आपको लोगों के लिए यहाँ पर काम नहीं है, ओवर टाइम नहीं है। दूसरी बात हमने कहा कि कोई बात नहीं, ओवर टाइम नहीं, तो हम यहाँ पर जो बंदे हमने यहाँ पर यूनियन बनी थी, एकजुट जो हम बने हैं यहाँ पर हमारी यूनियन बनी थी, तो इन्होंने क्या किया जो आगे से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महासचिव जो चुने गए हैं इन कंपनी ने क्या कहा कि सबसे पहले उनको निकाल दिया कंपनी बिना कोई लेटर के, बिना कोई गलती से, कोई गलती नहीं करी किसी बंदे ने, और उन्होंने 17 लड़कों को एकदम बाहर कर दिया बिना नोटिस के। और हमारी मांग यही है कि जो जब तक ये 17 लड़के अंदर नहीं आते हैं तब तक हमारा काम बंद ही रहेगा। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो जब तक ये 17 लोग अंदर नहीं आते हैं हम काम नहीं खोलेंगे। ये मज़दूरों का यहाँ पे विगत एक वर्षों से शोषण किया जा रहा था, 12-13 घंटे काम करा के उनको मूल जो वेतन था उसमें आधा पैसा मिलता था। तो मजदूरों ने एक संगठन CITU संगठन बनाया और कंपनी से मांग किया कि हमारी जो मूल वेतन है उसे हमको दिया जाए। और इस संगठन जब बंद हुआ तो बिना किसी कारण, मुख्य कारण कहा जाए तो यही कि संगठन बनाया और हमारे मजदूर भाई जब संगठन बना दिए तो जो अग्रणी पंक्ति में थे जो संगठन बनाने में, उन मजदूर भाइयों को इन्होंने बिना कारण बताए अराजक तत्व का तमगा लगा के बाहर कर दिया। और हमारी सारे मजदूर भाइयों की मांग है कि उन 18 श्रमिकों को जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम हड़ताल नहीं ख़त्म करेंगे। हमारी सबसे प्रथम मांग यही है, उसके बाद हमारा सैकड़ों ऐसी मांगे हैं जो लंबित है, लेकिन अभी मूलतः एक ही मांग है जिसको हम वापसी, जो श्रमिक को बाहर किया गया है उसको हम वापसी मांगते हैं और जब तक वापसी नहीं होगी तब तक हम ये हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही, बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, आस्था भी, ये है मेरा उत्तराखंड।